प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी छात्र एवं छात्राओं को वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, जुनून वर्दी का बैच स्टार्ट है हमारे चैनल के माध्यम से। और प्यारे बच्चों, आज पढ़ाने जा रहे हैं आपको मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स का चैप्टर है यानी कि डिस्काउंट। डिस्काउंट इट मीन्स बट्टा, बट्टे पर आधारित। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में कोई ना कोई पूछा ही जाता है। चलिए प्यारे बच्चों, समझाते हैं बट्टे का कॉन्सेप्ट यानी कि इट मीन्स डिस्काउंट। डिस्काउंट प्यारे बच्चों होता क्या है, आप सभी मार्केट में जाते हैं और मार्केट में कोई ना कोई सामान खरीदते हैं, तो बहुत सारे जो दुकान हैं, शॉप्स हैं, तो प्यारे बच्चों उन पर एक डिस्काउंट पड़ा होता है। कौन सा यानी कि डिस्काउंट बेटर है जब आपको सक्सेसिव यानी डिस्काउंट दिया जाता है, तो प्यारे बच्चों सभी समझेंगे। और कौन सा प्यारे बच्चों एकदम टॉप लेवल होगा और बेहतरीन टॉप का यानी कंसेप्ट है, प्यारे बच्चों सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इससे शॉर्ट आपको कॉन्सेप्ट किसी भी चैनल के माध्यम से नहीं मिलेगा, सबसे बेहतरीन आपको कॉन्सेप्ट यानी कि पढ़ाने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने जितने भी पीछे वीडियो बनाई हैं, तो पहले हमारी सर्वप्रथम यानी कि परसेंटेज को हमने जब ठीक है फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, और यानी कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में, तो वहाँ पर हमने जानकारी दी है कि कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो पहला हमारी वो वीडियो देखेंगे और फिर यहाँ पर आप डिस्काउंट बट्टे को साथ साथ भी आपको समझाएंगे यानी कि डिस्काउंट के बारे में, जिससे कि आपको प्यारे बच्चों का यानी कि सबसे शॉर्ट टॉप लेवल प्यारे बच्चों कंसेप्ट हो। हम एक ही कंसेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे प्यारे बच्चों, एक या दो, और पूरे यानी कि डिस्काउंट को निकाल कर बताएंगे। तो प्यारे बच्चों चैनल के साथ जुड़े और जोड़ेंगे। चलिए प्यारे बच्चों डिस्काउंट यानी स्टार्टिंग करते हैं। डिस्काउंट इट्स मीन बट्टा। बट्टा क्या होता है प्यारे बच्चों समझाते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों दिया है क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन दिया है डिस्काउंट यानी कि बट्टा 20%, 10% और 5% की दर से दी गई तीन क्रमिक छूट है। ठीक है, क्रमिक का प्यारे बच्चों सक्सेसिव यानी कि छूट के समतुल्य, यानी कि किस एक छूट के समतुल्य है। अगर ये तीन छूटें दी गई हैं तो प्यारे बच्चों आपको बताना है किस एक छूट के समतुल्य। तो पहले प्यारे बच्चों एक आध मिनट हम आपको समझाएंगे, फिर स्टार्टिंग करते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर समझेंगे पहले यानी कि ये 20% दिया है। क्या है ये 20% अगर दिया है तो प्यारे बच्चों हमने इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, तो प्यारे बच्चों हमारा आ जाएगा 1/5। क्या आ जाएगा? 1/5। ठीक है, और ये जो हमारा है नीचे का वैल्यू यानी कि डिनोमीटर यानी कि इट मीन्स हर, तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या होता है मार्केट प्राइस यानी कि MRP यानी कि मार्क प्राइस। और ये प्यारे बच्चों ऊपर जो हमारा है जिसे हम अंश कहते हैं यानी कि न्यूमरेटर इंग्लिश में, तो प्यारे बच्चों ये क्या होता है हमारा डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट होगा। हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया क्योंकि प्यारे बच्चों इससे यानी कि आपका शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दूसरा समझेंगे। जैसे कि हमारा दिया है 10%, तो 10% का प्यारे बच्चों हमारा हो जाता फ्रैक्शन में 1/10। तो प्यारे बच्चों जो हमारा डिनोमीटर है यानी कि हर, ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा हमारा मार्क प्राइस। क्या है? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का प्यारे बच्चों जब आप किसी शॉप पे जाते हैं तो वहां पे देखते हैं अंकित मूल्य पड़ा होता है उसे, यानी कि MRP, उसे कहते हैं प्यारे बच्चों मार्क प्राइस। और उसी मार्क प्राइस पे क्या दिया जाता है डिस्काउंट। और यहाँ पर ये ऊपर की जो वैल्यू आएगी ये हमेशा डिस्काउंट में नेगेटिव ही होगी यानी कि माइनस होगी, और यहाँ पर ये 1 का डिस्काउंट हो गया। अगला प्यारे बच्चों जैसे कि यहाँ पर 5% दिया है, 5% यहाँ पर, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे यानी कि 1/20 हो गया। 5% बराबर 5/100 यानी कि 1/20 हो गया। और ये प्यारे बच्चों क्या है हमारी MRP है, तो हम मार्क प्राइस शॉर्ट में लिख लेते हैं। और ये प्यारे बच्चों 1 रुपये का डिस्काउंट है, और ये प्यारे बच्चों हम D लिख देते हैं 1 का डिस्काउंट। आप समझेंगे ये। अब प्यारे बच्चों जैसे कि किसी ने 5 रुपये का डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो किसी पेन की कीमत यानी कि 20 रुपये है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसे
एमआरपी यानी मार्क प्राइस। तो प्यारे बच्चों 20 रुपये क्या है, ये हमारा 20 यूनिट यानी कि मार्क प्राइस होगा। अब इस पे ये डिस्काउंट यहाँ पे लिखेंगे तो 1 रुपये का यानी कि डिस्काउंट हो गया माइनस। और इसने सेल कितने में किया प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखेंगे यानी कि 20 में से डिस्काउंट को घटा देंगे तो प्यारे बच्चों हमारा 19 रुपये में यानी कि उसने दुकानदार ने बेचा। इतना कंसेप्ट आपको समझना है। दूसरा प्यारे बच्चों जो कंसेप्ट है यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे कि कोई कहता है कि 20 रुपये का ठीक है उसको दुकानदार को 20% लाभ हुआ, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे लाभ, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है 20% ठीक है। दो चीज ध्यान रखेंगे, जैसे प्रॉफिट कितना 20% है, तो प्यारे बच्चों इसका मतलब हो गया 1/5 हो गया। तो जब 1/5 हो गया तो प्यारे बच्चों ये जो नीचे है जो डिनोमीटर है ये प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा हमारा यानी कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्या बन जाएगा, जब हम प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहे हैं तो जो हमारा हर है यानी कि डिनोमीटर ये प्यारे बच्चों हमारा कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। और अगर यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर प्रॉफिट ठीक है 20% का, तो ऊपर का जो वैल्यू है जिसे प्यारे बच्चों हम न्यूमरेटर कहते हैं इंग्लिश में या हिंदी भाषा में इसको हर ठीक है अंश कहते हैं ऊपर के को ठीक है। तो ये हमारा अंश ठीक है ऊपर नीचे हर या के न्यूमरेटर और के नीचे डिनोमीटर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हो जाएगा, अगर के यहाँ पर लॉस होता तो ये कमी हो जाती ठीक है एक कम हो जाता। तो प्यारे बच्चों ये क्या होगा हमारा प्रॉफिट होगा यानी कि प्रॉफिट हुआ। तो इसने किसी आदमी ने यानी कि कोई पेन ठीक है दुकानदार ने 20% तो वो कोई कॉस्ट खरीदा कितने में, उसने 5 रुपये में खरीदा, उस पर प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का हुआ। और उसने प्यारे बच्चों सेल कितने में किया यानी कि 6 रुपये में 6 यूनिट में यानी कि बेचा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे 5-6 ठीक है 1 का प्रॉफिट, और जब कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जुड़ जाता है तो प्यारे बच्चों क्या बन जाता है सेलिंग प्राइस यानी कि उसने सेल किया। इतना आप कॉन्सेप्ट इसमें समझ गए तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चनों को आप धाएं धाएं उड़ा देंगे और इस पर हम यानी कि 2 कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और सारे क्वेश्चन को ठीक है निकालते हैं। चलिए प्यारे बच्चों स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर देखेंगे 20% का है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए मार्क प्राइस डालेंगे यहाँ पर, और दूसरा प्यारे बच्चों एमआरपी डालेंगे शॉर्ट में, और प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखते हैं हम यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। दो चीज ध्यान रखेंगे। अब देखिए 20% का तो आपको सीधा ध्यान रखना चाहिए यानी कि 5 पर ठीक है 5 मार्क प्राइस तो 1, तो यहाँ पर आप सीधे लिखेंगे 20% देखते ही आपकी नजर में होना चाहिए 5 और 1 यानी कि 1/5 होता है तो 5 पर 1 का डिस्काउंट दिया तो उसने 4 यूनिट में भेजा। दूसरे पर हमारा यहाँ पर 10% का तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर 1 कम कर देंगे यानी कि 9 हो जाएगा। यहाँ पर जो दिया 10 और 1 कम हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्यारे बच्चों 5% है तो यहाँ पर 20 हो जाएगा और प्यारे बच्चों 1 का डिस्काउंट हो जाएगा तो उसने यानी कि 19 रुपये में यानी कि सेल किया। अब प्यारे बच्चों इस पर हम निकालते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर इसको अगर इसमें आता है तो इसको हम क्रॉस इस तरह से यानी कि इसको छोटा बना लेते हैं तो यहाँ से इसको कैंसिल मार देंगे तो प्यारे बच्चों हमारा ये 5 टाइम कट जाएगा। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25 तो प्यारे बच्चों के कितना हमारा 250 हो जाएगा। अब 250 हो जाएगा तो यहाँ पर 19 में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है 19 की 9 में ये बचे यहाँ पर मल्टीप्लाई तो 19 यानी कि 9 में 81 आ जाएगा और यहाँ पर 9 × 9 और 8 यानी कि 17 171 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हमारा मार्क प्राइस था और ये मेरे प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस था। तो यहाँ पर देखेंगे कितना डिस्काउंट तो यहाँ पर ये मार्क प्राइस आ गया और ये मेरे प्यारे बच्चों यानी कि सेलिंग प्राइस आ गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर इसमें से घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा डिस्काउंट आ जाएगा तो 29 तो गे हो गया प्यारे बच्चों यहाँ ठीक है 200 में और यानी कि 50 गे तो प्यारे बच्चों के 79 हो गया। तो ये 79 का क्या हो रहा है उसको यानी कि मार्क प्राइस पर उसने डिस्काउंट दे रहा। तो देखिए डिस्काउंट अगर हमें निकालना परसेंटेज तो यहाँ पर देखेंगे डिस्काउंट यानी कि प्रतिशत यानी
डिस्काउंट को प्यारे बच्चों हम ऊपर लिखेंगे, यानी कि डिस्काउंट। तो यहाँ पे डिस्काउंट यानी कि किस में आएगा कि माइनस में आएगा, ठीक है। यहाँ पे 79 का है, ठीक है, और यहाँ पे कितने पर है, 250 पर है। 250 पर प्यारे बच्चों जो कोई ठीक है फ्रैक्शन में है, वैल्यू भिन्न में है, तो उसको हम 100% से यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं। अब प्यारे बच्चों इसको करेंगे यहाँ से, तो प्यारे बच्चों इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा 0. कितने 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, तो 4 × 9 = 36 आ जाएगा यहाँ पर 6, और यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे एक दशम लग रहा है, ठीक है। 4 × 9 = 36, और यहाँ पे 4 × 7, ठीक है, 7 × 4 = 28, 28 और 3, तो प्यारे बच्चों हमारा कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो यहाँ पे 31. यानी कि 6% क्या आ जाएगा, ये प्यारे बच्चों यहाँ पे परसेंट लगा, तो यही क्या आ जाएगा हमारा डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा, और यही प्यारे बच्चों क्या होगा हमारा, दैट इज आंसर, और ये मेरा आंसर निकला है। तो प्यारे बच्चों समझेंगे इसका आंसर कौन सा है, तो प्यारे बच्चों के यानी कि बी आंसर होगा यहाँ पर समझेंगे, ये ही सबसे शॉर्ट और बढ़िया कंसेप्ट है, तो ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन पर। और इनको आप देखें हमारी पहली वीडियो के माध्यम से देख लेंगे, हमने पिछली क्लासों में यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पढ़ा चुके हैं, तो वहाँ पर हमने सभी वैरायटी के क्वेश्चन दिए हैं, और अब आज पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों आपको डिस्काउंट यानी कि बट्टे के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट। अब प्यारे बच्चों देखेंगे इसको, अब मैंने पहले समझा दिया, अब इसको मैं ठीक है धाएं धाएं करके उड़ाता हूं। चलिए प्यारे बच्चों अब देखेंगे, प्यारे बच्चों 10% है, तो आप सीधा यहाँ पे लिखेंगे मार्क प्राइस, और यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या करेंगे सेलिंग प्राइस। यहाँ पे 10% का मतलब है 10, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, 12% है, तो प्यारे बच्चों 12 का मतलब हो गया यानी कि 3/25 हो गया, कितना 3/25 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा डिस्काउंट हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 25, और यहाँ पे 3 कम हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों हमारा 22 आ जाएगा। यहाँ पे 5% है, तो 5% का प्यारे बच्चों 1/20 होगा, और 20 यानी कि डिस्काउंट हो जाएगा, और ये मार्क प्राइस है, तो यहाँ पर ठीक है एमआरपी है, तो ये हमारा 20 तो एमआरपी हो गया यहाँ पर, और प्यारे बच्चों 1 कम कर देंगे, तो यानी कि 20:19 हो गया, यानी कि 20 अनुपात यानी कि 19 होगा। जब कोई प्यारे बच्चों अनुपात में दिया है तो या तो काट ले या सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ से देखिए 25 × 2, और यहाँ पर कितना 5000 आ जाएगा, ये 5000, और इसको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 9 × 2 = 18 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 19 × 2 = 38, 3 कैरी ले लेंगे, यहाँ पे 19 × 2 = 38, 38 और 3 प्यारे बच्चों 41 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 8 यहाँ पर 72 आ जाएगा, ठीक है, 9 × 8 = 72 करेंगे, 9 × 8 = 72 प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 आ जाएगा, 7 यहाँ पे कैरी ले लेंगे, ठीक है, 9 × 1 = 9 और 7 यानी कि 16 × 6 आ जाएगा, हासिल प्यारे बच्चों हमारा यानी 1 आ जाएगा, इसको कैंसिल मारो इसको भी। अब यहाँ पे 9 × 6 = 36, और कितना हमारा 37 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों ये हमारा मार्क प्राइज है, और ये क्या हमारा सेलिंग प्राइज है, तो यहाँ पे मार्क प्राइज आ गया, और ये क्या आ गया हमारा सेलिंग प्राइज। अब मार्क प्राइज में से सेलिंग प्राइज को घटा देंगे, तो प्यारे बच्चों हमारा डिफॉल्ट यानी कि डिस्काउंट आ जाएगा, और प्यारे बच्चों हमारा इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पे 8 यानी कि 1200 ठीक है 38 आ जाएगा, ठीक है, कितना 1238, ये क्या आ जाएगा हमारा डिस्काउंट आ गया। अब हमें डिस्काउंट क्या निकालना है प्यारे बच्चों, परसेंटेज, ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट कितना दिया है हमारा यानी कि 1238 यानी कि डिस्काउंट दिया गया है, और प्यारे बच्चों कितने पर है यानी कि हमेशा किस पर होगा, मार्क प्राइस पर, ठीक है, डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर यानी कि मार्क प्राइस पर यानी एमआरपी पर दिया जाता है। तो यहाँ पर कितना प्यारे बच्चों हमारा 5000 हो जाएगा, और इसको हम 100% कर देंगे, क्या है 100% करेंगे, तो प्यारे बच्चों यहाँ से 2 0 को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 5 × 2 यानी कि 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 × 2 = 10 हो जाएगा, फिर 5 × 4 = 20 हो जाएगा, फिर हमारा 75 = 35 हो जाएगा, फिर 3 यानी कि 5 × 6 = 30 हो जाएगा, तो
तो प्यारे बच्चों हमारा 24.76 दैट इज आंसर। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर कौन सा आ गया, यानी कि ए आंसर होगा। तो यहाँ पर समझ रहे टॉप लेवल कंसेप्ट, इससे बेटर आपको प्यारे बच्चों ठीक है सबसे शॉर्ट यही माना जाता। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब आगे देखेंगे यहाँ पर एक कंपनी तीन तरह के क्रेमिक ठीक है यहाँ पे बट्टे ठीक है क्रेमिक के बट्टे हैं यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्रेमिक बट्टे यहाँ पर क्रेमिक बट्टे है ठीक है क्रेमिक बट्टे बट्टे प्रदान करती है क्रेमिक बट्टे प्रदान करती है उपयुक्त में से ग्राहक को यानी कि कौन सा बट्टा सबसे अच्छा है। तो प्यारे बच्चों इसका एकदम शॉर्ट कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं। जैसे कि हमने लिखा 25 और 15 तो यहाँ पर पहले को लिखेंगे पहला बट्टा यहाँ पर दूसरा बट्टा और यहाँ पर ये दो बट्टा ठीक है तीसरा बट्टा और यहाँ पर इन दोनों का जो सम देख रहे हैं योग यानी कि 15 और 20 कितना 40 और यहाँ पर भी 30 और 10 कितना 40 और दोनों को मिलाएंगे तो 15 और 5 यानी कि ये भी 40 है। तो प्यारे बच्चों क्या करते हैं यहाँ पर 25 में यहाँ पर दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ठीक है यहाँ पर 25 और 15 बटे यानी कि 100 कर दें तो 25 में 15 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 यानी कि 15 ठीक है 125 हो जाएगा 25 पंजे 125 का यहाँ पर 5 लिखेंगे यहाँ पर 25 फिर हमारा 12 कैरी आ जाएगा कितना 12 हमने कैरी ले लिया 25 एकम 25 और 12 यानी कि 37 ये आ जाएगा यानी कि 37 ये पॉइंट। तो हमने प्यारे बच्चों यहाँ पर इसके बटे क्या कर देंगे 100 कर देंगे ठीक है यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आगे प्यारे बच्चों चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट में देखा 25 यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बटे यानी कि यहाँ पर के करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इनको करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई तो नीचे यानी कि आपके यानी कि 100 करेंगे तो ये हमारा 1 कट जाएगा ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगला तो यहाँ पर देखिए दूसरा कितना आ जाएगा हमारा 3% आ जाएगा कितना 3% आ जाएगा 3 का यहाँ पर करेंगे दोनों का तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा। दूसरे में हम करते हैं 35 में और 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 पंजे हमारा आ जाएगा 25 का 5 आ जाएगा यहाँ पर ठीक है 25 का 5 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आपका कैरी लग जाएगा प्यारे बच्चों 5 3 15 ठीक है 15 और 2 यानी कि 17 आ जाएगा कितना 17 तो ये हमारा कितना आ जाएगा 17.5 आ जाएगा कितना 17.5 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो भी बट्टा आपका दिया है जिसका वैल्यू कम आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा यानी कि जिसका अंतर कम आएगा वही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसमें करना क्या है इसको हटा देना है इनको परसेंटेज को इनको पूरे को इनको कैंसिल कर देना है सीधा सीधा और यहाँ पर सीधे सीधे क्या है कि मल्टीप्लाई करना है ठीक है सबसे शॉर्ट क्योंकि आपको ये नहीं पूछ रहा आप कैसे निकालना है आप कितना फास्टली आंसर दे रहे हैं वो आपको आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख रहे इसमें यानी कि यहाँ पर 37.5% आ गया इसका 3% आ गया और यहाँ पर 17.5% आ गया। तो यहाँ पर जो है आपका जिसका यानी कि लेस वैल्यू आए सबसे कम ठीक है मान आए वही हमारा क्या बेटर बट्टा होगा कैसा होगा यही प्यारे बच्चों हमारा यानी कि बेटर बट्टा होगा ठीक है बट्टा होगा ठीक है यहाँ पर ध्यान रखेंगे बट्टा होगा ठीक है यानी कि बट्टा का मतलब प्यारे बच्चों डिस्काउंट होगा ठीक है यानी कि डिस्काउंट होगा। तो बेटर बट्टा कौन सा हमारा 17.5 ये बेटर। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है तो प्यारे बच्चों ये सी सही है यानी कि 15, 35 और 5 ये दोनों का यानी कि बट्टा। इसका प्यारे बच्चों एक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ जिसका यानी कि ये पहला जो वैल्यू है वो ज्यादा होगा वो बेटर होगा यानी कि जो बट्टा पहले वाला जो देगा अगर उसका मान ज्यादा है ठीक है इनमें देखेंगे 25 30 में तो सबसे ज्यादा कौन सा 35 है ठीक है 35 ज्यादा तो यही आपका बेटर होगा जो पहली बार ज्यादा बट्टा दिया जाएगा वो बेटर होगा क्रेमिक यहाँ पे बट्टे पे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे अगला चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको आप देखते ही इसको टिक कर सकते थे और मैंने कंसेप्ट बता दिया कि देखते ही उड़ा देंगे फटाक से और आगे बढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 5 दिया है प्यारे बच्चों, यदि अंकित मूल्य पर 30% की छूट और दूसरे पर क्रमिक छूट दे रखी है, यहाँ पर प्यारे बच्चों 20% दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पर 10% दो क्रमिक छूट है, और के बीच विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया है प्यारे बच्चों, 72 रुपये है, तो अंकित मूल्य क्या होगा ये आपको निकालना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, जब देखिए यहाँ पे बहुत शॉर्ट बताऊंगा, एकदम आपको मजा आ जाएगा। यहाँ पे जब यहाँ पे 30% दिया है और यहाँ पे दो क्रमिक छूट दी है यानी कि 20% और प्यारे बच्चों 10% दिए, तो एकदम क्या करेंगे इनका डिफरेंस के लिए सबसे शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा, यहाँ पे प्यारे बच्चों के 20 दिया है मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 10 की दो क्रमिक छूट के, और बटे क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ परसेंट लगा देंगे, ठीक है। अब इनको दोनों को करेंगे तो ये दोनों दो जीरो कर जाएंगे तो हमारा ये 2% आ जाएगा, और 2% ये क्या आ जाएगा यानी कि विक्रय मूल्य का अंतर आ जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस का क्या आ जाएगा ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा, क्या आ जाता है डिफरेंस आ जाता है। तो 2% बराबर कितने के प्यारे बच्चों, यहाँ पर 72 रुपये के है, कितने के 72 रुपये के, और हम पूछ रहा वस्तु का अंकित मूल्य कितना, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों कॉस्ट प्राइस निकालना, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा हमारा 100%, तो यहाँ पर कितने गुना यहाँ पर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे 5 गुना बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि 50 गुना बढ़ रहा है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इसमें 50 की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमने 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 × 2 = 10 यानी कि 0 आ जाएगा, और 35 और एक कितना 3600, तो ये प्यारे बच्चों 100% पे ये हमारा क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यानी कि इतने रुपये में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसमें आंसर कौन सा होगा, यानी कि बी आंसर होगा, दैट इज आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, 6ठा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, यहाँ पर 500 रुपये की राशि पर 40% की छूट पर इसे दो क्रमिक छूट दी गई है, 30% और प्यारे बच्चों 10% दी है, ठीक है, यहाँ पर तब के बीच अंतर होगा ये आपको बताना, तो ये भी आपको प्यारे बच्चों ऐसे ही निकालना है, ठीक है, और ये पूछ रहा है यानी कि बीच का अंतर पूछ रहा है कि अंतर क्या होगा ये निकालना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखेंगे इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, यहाँ पे करेंगे डिफरेंस, तो यहाँ पर देखिए अंतर जो दिया है सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, ठीक है, सेलिंग प्राइस का क्या निकालेंगे यहाँ पर डिफरेंस, और हमने ये डिफरेंस किया तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऐसा कर लेंगे यानी कि 30 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 10% है, ठीक है, बटे क्या करेंगे 100 है, और यहाँ पे परसेंट लगा देंगे, और सीधा आप इसमें करेंगे दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे यानी कि 3% आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया हमारा सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर आ गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखेंगे हमारा जो है किसी राशि पर यानी कि ये राशि है मार्क प्राइस, तो ये मार्क प्राइस हमारा कितना है MRP, ये हमारा है यानी कि 100%, 100% पे प्यारे बच्चों कितना है यहाँ पे 500 रुपये है, यानी कि कितना है 500 रुपये है, ठीक है, तो हमारा ये यानी कि दोनों का जो डिफरेंस होगा तो प्यारे बच्चों वो कितना आ जाएगा यानी कि 3% है, 3% बराबर ये कितने होगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये कितने गुना बढ़ रहा है यानी कि 5 गुना बढ़ रहा है, तो यहाँ भी हम 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि यहाँ पर रुपये में आ जाएगा यानी कि 15 रुपये आ जाएगा, ये प्यारे बच्चों हमारा दैट इज आंसर। तो इसका आंसर कौन सा प्यारे बच्चों, यानी कि डी आंसर होगा ये आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति एक मोटर कार के लिए एक मात्र यानी कि 15% छूट लेने के बाद इसके लिए यानी कि 1700 रुपये देता है, ठीक है, देता है यानी कि कॉस्ट प्राइस है यानी कि दे रहा है, तो वो ठीक है, यहाँ पर यदि उसे क्रमशः 5% और 10% की दो क्रमागत यानी कि बट्टे दिए जाए तो उसे कितने रुपये अदा करने पड़ेंगे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है। अब देखिए 15% की क्या दे रहा डिस्काउंट दे रहा, तो यानी कि सेल कितने में कर रहा है, सेल कितने में कर रहा है यानी कि 85%, यानी कि मार्क प्राइस कितना हमारा 100%, ठीक है, 100% माना, ठीक है, 100% होगा, और इसमें से 15% को तो उसने बेचा कितना
85% बेचा, और 85% प्यारे बच्चों कितने के बराबर है हमारा, यानी कि यहाँ पर ठीक है 85%, ठीक है। तो 85% बराबर कितने के है, 1700 रुपये के है, यहाँ पर 1700 रुपये के है यहाँ पर बेच रहा। अब यहाँ पर ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे के कॉस्ट प्राइस यानी कि एमआरपी कितनी थी उसकी, एमआरपी निकालेंगे, क्या निकालेंगे एमआरपी। तो एमआरपी प्यारे बच्चों कितनी मानी है हमने, यानी कि 100%। तो यहाँ पर 100% एमआरपी हमेशा 100% ही मानेंगे यहाँ पर। आगे चलते हैं 100% पर कितना होगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इसको ठीक है शॉर्ट में कर लेते हैं यहाँ पर ठीक है, 5 से करते हैं तो 17 बार कट जाएगा। इसको अगर हम करते हैं ठीक है इसको, तो यहाँ पर हमारा ठीक है 5 से, तो यहाँ पर हमारा 20 बार कट जाएगा। 17 से यहाँ पर देखते हैं तो कितने की, यानी कि 100 बार हो जाएगा ये ठीक है। और यहाँ पर 100 की यहाँ पर इसमें गे बन गया और गे बन गया। अब यहाँ पर 100 की हम मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, तो हमारा 100 की मल्टीप्लाई करेंगे सीधा ठीक है, 100 की मल्टीप्लाई, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगी, यानी कितना आ जाएगा हमारा 20,000 आ जाएगा। तो हमने निकाल लिया प्यारे बच्चों के 20,000 आ गया। अब प्यारे बच्चों क्या निकालना है, यहाँ पर 2 सक्सेसिवली डिस्काउंट दिए, क्रमागत बट्टे दिए जाए तो ठीक है उसने कितने रुपये अदा किए। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर मार्क प्राइस लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर क्या लिखेंगे सेलिंग प्राइस लिखेंगे। यहाँ पर 5% के यानी कि 2 क्रमागत बट्टे हैं, तो 5 का मतलब है 1/20, कितना होता है हमारा 1/20 होता है कि माइनस हो जाएगा, यानी कि 20 और यहाँ पर अनुपात 19 आ जाएगा, यानी 20 में से 1 घटा देंगे 19, ये हम पहले ही समझा चुके हैं। 10% का मतलब यहाँ पर 10 आ जाएगा ठीक है, और यहाँ पर 9 आ जाएगा, रेशियो में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया ठीक है। 1/10 होगा इसका समझ लेंगे, और ये हमारा डिस्काउंट और ये हमारा मार्क प्राइस। आगे प्यारे बच्चों इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 200 और यहाँ पर 19 से को करेंगे, यानी कि 9 * 81 का 1 और 9 यानी कि 171 आ जाएगा ठीक है, 171 यूनिट। और प्यारे बच्चों 100 यहाँ पर जो दिया है कि 200 यूनिट, तो हमारा मार्क प्राइस कितना है 200 यूनिट, और यहाँ पर कितना दिया है 2000, तो 2000 यूनिट पर यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यानी कि 2000 आ गया। तो ये कितने गुना है प्यारे बच्चों, यानी कि यहाँ पर देखेंगे ये 200 हो गया और यहाँ पर हमारा ये 20,000 आ जाएगा, कितना 20,000 आ जाएगा, ये हमारा एक और बढ़ा लेंगे यहाँ पर 20,000 आएगा ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 20 है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका 20,000 आएगा ठीक है, 3 0 बढ़ेंगे आगे यहाँ पर, यानी कि 17 है और यहाँ पर करेंगे परसेंटेज, तो यहाँ पर 17,000 है, क्या है यहाँ पर ध्यान रखेंगे 17,000 है ठीक है यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर 1000 की सीधी सीधी मल्टीप्लाई होगी, ये आपका होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 10 और बढ़ाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने गुना है इसके, तो यहाँ पर आप ठीक है यहाँ पर 20 बढ़ जाएंगे ठीक है, यानी कि 100 गुना है इसका ठीक है, इसका 100 गुना है, तो यहाँ पर भी आप 100 गुना कर देंगे, कितना 100 गुना कर देंगे इसको, तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 171 यानी कि 00, और प्यारे बच्चों के हमारा आंसर आ जाएगा और रुपये में निकल आया। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर कौन सा होगा, दैट इज सी आंसर। तो यहाँ पर आप समझिए इसका यानी कि शॉर्ट और सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट। अगला लेते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया प्यारे बच्चों 8वां क्वेश्चन, एक विक्रेता 2200 रुपये की एक वस्तु खरीदता है, यदि अंकित मूल्य क्रिया मूल्य से यहाँ पर प्यारे बच्चों 40% क्या है ज्यादा है, और बेचने पर 10% की छूट देता है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों लिया गया मूल्य ज्ञात करना है आपको, ये क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों इसको बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा आपको, बेहतरीन यानी कि आपको ठीक है समझ जाएंगे। हमने देखे प्यारे बच्चों यहाँ पर ठीक है, ये कह रहा प्यारे बच्चों यानी कि 40% ज्यादा कर रहा है, तो यहाँ पर मार्क प्राइस डालेंगे और यहाँ पर दूसरा कॉस्ट प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा, और यहाँ पर 40% ज्यादा मार्क कर रहा, तो 40% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो प्यारे बच्चों 2/2 कितना आ जाएगा, 20 * 2 = 40 और 20 * 5 = 100, 2/5 आ जाएगा, और प्यारे बच्चों ये क्या होगा हमारा यानी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और ये इस पर ये मार्क 2 रुपये ज्यादा कर रहा, तो यानी कि ये हमारा 5 हो जाएगा,
और यहाँ पर कितना मार्क ज्यादा कर रहा है, दो, तो यहाँ पर हमारा 7 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना 40% ज्यादा मार्क हो गया। अब प्यारे बच्चों इस पर डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट के लिए प्यारे बच्चों हम ऐसा लिखेंगे, यहाँ पर देखिए जब ये दिया तो यहाँ पर आप मार्क प्राइज लिखेंगे, मार्क प्राइज, ठीक है, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, मार्क प्राइज लिखेंगे यहाँ पर, मार्क प्राइज, और यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों देखिए इसको क्रॉस लेके चलेंगे, ठीक है, ऐसे कोई आता है तो यहाँ क्रॉस लेके चलेंगे, और यहाँ पर हम सेलिंग प्राइज, क्योंकि डिस्काउंट पर मार्क प्राइज और सेलिंग प्राइज है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 10% छूट देता, तो 10% का मतलब है 1/10 होता और ये हमारी छूट हो गई और ये हमारा मार्क प्राइज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 10 यूनिट पे और वो बेच कितने में रहा, 9, यानी कि 10 9 हमने सीधा निकाल लिया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मार्क प्राइज है और यहाँ पर भी ये मार्क प्राइज, तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर ये बच जाएगा कॉस्ट प्राइज और यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइज बच जाए। अब यहाँ पर कर लेंगे 9 7 63, ठीक है, 9 7 63 आपका ये आ जाएगा 63 गया गया, और यहाँ पर कॉस्ट प्राइज कितना आ जाएगा हमारा, 10 5 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50। अब देखेंगे ये पूछ रहा लाभ पूछ रहा, तो हमने यानी कि किसी ने खरीदा कितने में, ये आपका 50 आ गया, और यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस, ठीक है, गया, तो इसने यानी कि 50 में खरीदा और 63 में बेचा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कितने का इसको फायदा हो रहा, यानी कि 13 रुपये का यहाँ पर इसको फायदा हो, तो यहाँ पर लिख लीजिए 13 का बेनिफिट हुआ, तो 13/ क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों हमारा। अब ये यहाँ पर दे रखा है, एक विक्रेता ने 2200 रुपये में खरीदा और यहाँ पर कितने में आ रहा प्यारे बच्चों, 50 यूनिट है, तो 50 यूनिट पर कितना दिया हमारा, यानी कि 2200 रुपये दिया, 50 यूनिट पर कितना 2200 रुपये है, तो यहाँ पर एक यूनिट पर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर ये समझेंगे यहाँ पर रहेंगे 2200 रुपये पर, तो एक पर यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है, 5 4 20 और ये 44 गुना हो गया, तो यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा, क्योंकि लाभ, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये प्रॉफिट आ गया, प्लस में लगा दिया तो प्रॉफिट आ गया, तो 13% पर कितना यहाँ पर भी 44 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 चौका यहाँ पर 52 हो जाएगा, 52 का यहाँ पर 2 लिखेंगे, 5 कैरी आ गया, 13 चौका 52, ठीक है, 52 और 4 यानी कि यहाँ पर हमारा 92 रुपीज आ जाएगा, तो यानी कि 13 यूनिट पे 500, ठीक है, 92 रुपये, दैट इज ये आंसर, और ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर आएगा, तो इसका आंसर कौन सा होगा प्यारे बच्चों, बी आंसर होगा, दैट इज आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये कंसेप्ट आपको सीखना है, अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर है तो फटाक से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों, नवा क्वेश्चन, एक विक्रेता 10% छूट देने के बाद वस्तु को 1800 रुपये में बेचता है, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, बेचता है यानी कि सेलिंग प्राइस है, यदि अंकित मूल्य पर 60% ज्यादा है, ठीक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% ज्यादा है, तो प्यारे बच्चों क्या बताना है आपको, लाभ राशि बताना। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर स्टार्टिंग, देखिए यहाँ पर जो पहले वही लिखेंगे मार्क प्राइस और यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर यार 60% ज्यादा, ठीक है, मार्क करता है, तो 60% का यहाँ पर अगर हम इसको फ्रैक्शन में करते हैं 60% का इसका, तो प्यारे बच्चों 20 दिया 60 हो जाएगा, और यानी कि 20 5 यानी कि ये हमारा आ जाएगा 20 दिया 60 और 20 5 100 ये आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और ये ज्यादा हो जाएगा मार्क कर रहा 3 यूनिट, तो प्यारे बच्चों 5 ये हो जाएगा और ये यहाँ पर 8 करेंगे, यानी कि रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, 5:8 हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर डिस्काउंट दे रहा है, तो यहाँ पर यानी कि मार्क प्राइज करेंगे, मार्क प्राइज और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए 10% छूट दे रहा है, तो यहाँ पर 10 यूनिट आ जाएगा मार्क, ठीक है, और यानी कि ये छूट देगा तो बेच कितने में रहा, 9 यूनिट में बेच रहा है, हमने ये बना लिया प्यारे बच्चों। अब इसको मार्क प्राइस जो यहाँ पे दिया है, ये मार्क प्राइस है, तो इसको दोनों को यानी कि क्रॉस करके यहाँ पे काट देंगे, क्योंकि रेशियो में ये कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा आपका, ये सेलिंग प्राइस
और यहाँ पे बचेगा आपका प्यारे बच्चों कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे 9, 8, 72 कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपका 72 आ जाएगा। और 72 क्या आ गया आपका, यानी कि सेलिंग प्राइस आ गया, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 10×50 आ जाएगा, ठीक है, ये 50 आ गया। अब इसको रेशियो में करना चाहें तो कर सकते हैं, और वैसा करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया है हमारा 1800, और यहाँ पर कितना आया हमारा 72 रुपये। तो 72 रुपये पर यहाँ पर ऐसे बना लेंगे, 72 रुपये पर यहाँ पर कितना है, यानी कि 1800 रुपये, कितना है 1800 रुपये है। तो यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, एक यूनिट बराबर कितने के आ जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक यूनिट निकाल लेंगे और आपका आंसर निकल आएगा फिर, और उतने की मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट में। चलिए तो प्यारे बच्चों के कितना दिया है हमारा, 1800 दिया है, एक यूनिट है, तो यहाँ पर ये कितने गुना है, 72 दूनी करेंगे तो ये हमारा, ठीक है, कितने गुना है ये, इसमें मल्टीप्लाई यानी कि 25 गुना, कितना है 25 गुना है। यहाँ पर देखेंगे यानी कि 72 दूनी 144 या और छोटा करके, ठीक है, और ये कितने फिर 5 वाट चला जाएगा। तो यहाँ पर भी ये पूछ रहा है, तो लाभ पूछ रहा है, लाभ कितना होगा, तो यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है देखिए ये, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना हमारा ये 50 रुपये, और बेच कितने में रहा, 72 रुपये में। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितने का हो रहा, 22 यूनिट का, और यहाँ पर 72 यूनिट बराबर कितने के, तो ये एक यूनिट की वैल्यू 50 है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको 25 गुना करेंगे, 25, एक यूनिट बराबर कितने के होगा, यानी 25 के, तो यहाँ पर 22 यूनिट कितने के बराबर होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये आ जाएगा 25×2 50 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 कैरी ले लेंगे, 25×2 50 और हमारा यहाँ पर 55 आ जाएगा, ठीक है, 55, तो ये हमारा 22 यूनिट बराबर कितने के आ गया, यानी कि 550 रुपये के आ गया। तो प्यारे बच्चों के हमारा 550 के आ जाएगा आंसर, आ जाएगा दैट इज आंसर। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर कौन सा होगा, 550 रुपये, दैट इज आंसर आपका निकल गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों समझ रहे हैं, सबसे शॉर्ट और टॉप लेवल का यही कॉन्सेप्ट पर हम आगे निकाल कर बताएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। एक विक्रेता यानी कि शर्ट, ठीक है, एक विक्रेता शर्ट 1250 रुपये में खरीदी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस है, यानी इतने में खरीदी। एक वह क्रय मूल्य से 60% ज्यादा अंकित करता है और शर्ट को यानी कि 20% छूट देकर बेच देता है, तो राशि ज्ञात करना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया है। चलिए प्यारे बच्चों निकालते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर ये भी ऐसे ही होता है, हो जाएगा, यहाँ पर आप डालेंगे प्यारे बच्चों मार्क प्राइस, और दूसरा यहाँ पर डालेंगे सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर वह क्रय मूल्य से ज्यादा मार्क कर रहा है, यानी कि कितना 60%, तो 60% का प्यारे बच्चों हमारा होगा 20×60 और 20×50, ठीक है, 5/3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मार्क प्राइस, और ये अंकित ये 3 रुपये ज्यादा होता है, ठीक है, यानी कि ये हमारा नीचे क्रय मूल्य से ज्यादा अंकित, तो यहाँ पर ये हमारा क्रय मूल्य होगा, ठीक है, ये हमारा क्रय मूल्य होगा कॉस्ट प्राइस, और ये 3 ज्यादा बढ़ा देंगे, तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों ये 5 हो जाएगा, और सीधा गया हमारा कितना 8 हो जाएगा, ठीक है, 5×8 हो गया। अगला प्यारे बच्चों लेते हैं, वो 20% की छूट दे रहा है, तो यहाँ पर देखिए डालेंगे मार्क प्राइस, ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि क्रॉस में ऐसे डालेंगे, और यहाँ पर आप डालेंगे सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर रेशियो बना लेंगे, छूट दे रहा है, तो ये हमारा 10 आ गया, और प्यारे बच्चों क्योंकि 10% का 1/10 है, ठीक है, कि हमारा मार्क प्राइस आ गया, और प्यारे बच्चों ये हमारा डिस्काउंट आ गया, तो एक का डिस्काउंट देने पर उसने बेचा कितने में, 9 यूनिट में बेचा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे जो मार्क प्राइस है ये दोनों का ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे सीधा करेंगे, अब यहाँ पे 9×8 कितना हो जाएगा हमारा, 72 हो जाएगा, 10×50 हो जाएगा, ठीक है, वही आएगा, यहाँ पे 9×8 कितना हो जाएगा, ये हमारा 72 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे, ठीक है, 20% की छूट दे रहा, कितना है 20%, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे, ये 20% का मतलब हुआ,
यानी कि 1/20 कितना हुआ यहाँ पर 20% की छूट है, तो इसका मतलब है ये हुआ हमारा 1/5 यानी कि 5 हुआ ये हमारा डिस्काउंट, तो ये हमारा 5 यूनिट आएगा और 1 का डिस्काउंट यानी कि 5/4 आएगा, ये सही है ठीक है। अगर 10 होता यहाँ पे तो ऐसा कर लेते, लेकिन यहाँ 20 से है तो 20 का ऐसा कर लेंगे, 30 होगा तो 30 को बना लेंगे ठीक है, आप ध्यान देखेंगे ठीक है। आगे देखेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 × 4 = 32 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे प्यारे बच्चों के 25 हो जाएगा, कितना 25 यूनिट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक विक्रेता शर्ट को इतने रुपए में खरीदा, तो इसने खरीदा कितने में, 25 यूनिट में खरीदा, तो क्या ठीक है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 25 रुपए में क्या है खरीदा, तो यहाँ पर क्या था हमारा कॉस्ट प्राइस था, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर वो मार्क कर रहा था ठीक है, यानी ये कॉस्ट प्राइस ये सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे देख रहे हैं 25 यूनिट आ गया और 25 यूनिट और ये हमारा क्या आ गया, ये कॉस्ट प्राइस आ गया और ये प्यारे बच्चों क्या आ गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस बचा यहाँ पर, ये सेलिंग प्राइस बचा। अब देखेंगे 25 यूनिट बराबर यहाँ पर कितने के दिया है प्यारे बच्चों, यहाँ पर खरीदा तो यहाँ पर 1250 रुपये दिया, तो 1250 रुपये में उसने खरीदा। आगे प्यारे बच्चों 25 पंजे तो ये कितने गुना, 50 गुना, कितना 25 पंजे 125, तो ये भी कितने गुना। अब ये पूछ रहा लाभ, तो लाभ पूछ रहा है तो लाभ भी आप निकालते हैं और सेलिंग प्राइस पूछे तो सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं और मार्क प्राइस पूछे तो मार्क प्राइस भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लाभ कितना हो रहा, तो यहाँ पर देखिए ये 25 में खरीद रहा है और यानी कि 32 में बेच रहा, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है प्यारे बच्चों 7 यूनिट का होता, तो यहाँ पर 7 यूनिट बराबर कितने को होगा, तो यहाँ पर 7 यूनिट में कितने की गुणा करेंगे यानी कि 50 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 7×5 = 35 ठीक है, और एक जीरो बढ़ जाए यानी कि 350 रुपए का क्या फायदा होगा बेनिफिट, तो ये हमारा प्रॉफिट कितने का हुआ 350 रुपए। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर कौन सा होगा, डी आंसर आ जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला प्यारे बच्चों, 11वां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर ठीक है। एक विक्रेता 30% छूट देने के बाद 5% का लाभ कमाता है, 25% छूट देने के बाद ठीक है, यहाँ पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर दो बार क्या आ रहा है छूट आ रहा है, यहाँ पर दो बार क्या आ रहा है प्यारे बच्चों छूट आ रहा, तो पहले यानी कि लेंगे कि छूट देने के बाद उसने बेचा कितने में, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करेंगे सेलिंग प्राइस लेंगे और दूसरा भी आप सेलिंग प्राइस लेके चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे जब प्यारे बच्चों यहाँ पर छूट दी उसने 30% की ठीक है, 100 पर 30 की, तो हमारा मार्क प्राइस कितना होगा यानी कि 100% मानेंगे, कितना यहाँ पर 100% है ठीक है, मार्क प्राइस अंकित मूल्य, और 30 की उसने छूट दे दी, तो प्यारे बच्चों उसने बेचा कितने में 70% में बेचा, और 70% बराबर कितने के यहाँ पर सीधा लिख लिए 100 पे यानी लाभ हो रहा, तो 100 पे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना हमारा यानी कि 100 रुपये 100% है, और 5 का लाभ हो रहा है तो उसने कितने में बेचा 105 में उसने बेचा, तो यानी 70 यूनिट बराबर कितने के 105 के हो गया। अब यहाँ पर जो 25% की वो छूट दे रहा तो यानी कि बेच कितने में रहा यानी कि 75 में, 100 पे ठीक है छूट दे रहा है तो 100 में से घटा देंगे तो 75 पे बेच रहा है। अब प्यारे बच्चों के 75 पे निकाल देंगे, इसको हम शॉर्ट में करना चाहें तो शॉर्ट में कर सकते हैं, अब जैसे कि इसको 5 से काट लें तो ठीक है 5×5 यहाँ पर हो जाएगा ठीक है, 5×4 = 20 के 14 बार कट गया ठीक है, इसको काटेंगे 5×5 = 25 तो कि हमारा 15 आ गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर करेंगे तो कि हमारा आ जाएगा 1/5 यानी 5 आ गया और बटे क्या करेंगे यहाँ पर नीचे के हमारा 14 आ जाएगा और मल्टीप्लाई कितने की कर देंगे 15 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो भी इसका ठीक है आंसर आ जाएगा वही हमारा ठीक है आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों इसको अगर हम डिवाइड करते हैं ठीक है 14 ठीक है 14 पॉइंट में ले लें या तो हम प्यारे बच्चों यहाँ पर 14 से तो हमारा आ जाएगा लगभग यानी कि 15 से यहाँ पर 15 धाम और ये हमारा कुछ यानी 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों भाई यही आपको कैलकुलेट करना और कैलकुलेट करने पर आपका सीधा सीधा यानी कि आंसर निकल आएगा। चलिए प्यारे बच्चों
तो ये इसको अगर हम प्यारे बच्चों कैलकुलेट करते हैं तो यानी कि ये हमारा 112 यहाँ पर आ जाएगा, 112.5 आ जाएगा, कितना इतना आ जाएगा 112.5% आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेट करने पर आएगा। इसको देखेंगे करेंगे प्यारे बच्चों 14 × 5 = 70 कर लेंगे, या यहाँ पर भी कर सकते हैं शॉर्ट में, 14 × 1 = 14 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 14 × 1 = 14 आ जाएगा और फिर 3 बचेगा, फिर 14 पॉइंट में आएगा फिर ज्यादा, या तो इससे सीधा डिवाइड कर लो। ठीक है, 14 × 5 = 70, 14 × 3 = 84, 14 × 7 = 98, तो यहाँ पे 14 × 7 = 98 हो जाएगा, फिर हमारा 7 बचेगा। ठीक है, 7.5 हो जाएगा। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 × 5 = कितना 75, यानी कि 7 कैरी आ गया, 15 × 7 = 105 और यानी कि 12 आ गया प्यारे बच्चों, यानी कि ये आपका 112 हमने निकाल दिया। ठीक है, आप समझ गए होंगे, यानी इससे इसको डिवाइड करेंगे 7.5 आ जाएगा, इसमें इसकी मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 112। ठीक है, दशमलव अब देखेंगे प्यारे बच्चों, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था 100 रुपये था, तो यहाँ पर ये पूछ रहा लाभ कितना हुआ, जो 100 से ज्यादा होगा तो प्यारे बच्चों वही हमारा लाभ होगा, यानी कि 112 से जो 100 से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा, 12.5% ज्यादा, तो क्या प्यारे बच्चों यही हमारा लाभ होगा, दैट इज आंसर, यानी कि प्रॉफिट होगा, पी फोर प्रॉफिट यही पूछ रहा है, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर कौन सा होगा, यानी कि 12। ठीक है, ये बी आंसर होगा, यानी कि 12.5%। इतना आप ध्यान रखिए और आप सबसे शॉर्ट में यहां पर पाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 12 दिया प्यारे बच्चों, एक विक्रेता 5% की छूट देने के बाद 33% का लाभ प्राप्त करता है, जब छूट 15%। ठीक है, हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो प्यारे बच्चों पहले यहाँ पर चलेंगे, तो यहाँ पर पहले SP1 डाल लेंगे, दूसरा फिर SP2 डाल लेंगे, क्योंकि आप निकालेंगे बेच कितने, तो आप देखिए जो मार्क प्राइस है, ठीक है, मार्क प्राइस कितना हमारा मान लेंगे सबरा, यानी कि 100% का। ठीक है, 5 की छूट मिल गई, तो प्यारे बच्चों उसने बेचा कितने में, 95 में बेचा, 95%। ठीक है, और आगे करेंगे 95% बराबर कितने, यहाँ पर देखिए आपका 33 का लाभ हो रहा, तो यानी कि 100 पे, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना 100 है। ठीक है, कितना 100 है, और 100 पे 33 का लाभ हो तो 133 में यानी कि बेचेगा। ठीक है, तो हमने ये SP1 निकाल लिया। अब दूसरा कह रहा प्यारे बच्चों, जब छूट वो 15% की दे रहा, तो 100 पे 15 की दे रहा, तो प्यारे बच्चों 85 में बेच रहा है, यानी कि तो 85 में बेच रहा, तो 85 पे कितना होगा, अब यहाँ पर ठीक है 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे, छोटा हो जाएगा, यहाँ पर 5 × 5 = 5, 5 × 45 19 बार कट गया, 5 × 5 और यहाँ पर 75 = 35 गया, यानी कि 19 और गया गया। अब यहाँ पे देखेंगे 9 से यहाँ पे करेंगे, 9 × 7 = 63 गे, और यहाँ पे कर लेंगे तो गे इसके कितने गुना है देख लेंगे, भाग देके तो यहाँ पे 9 × 7 = 63 और यहाँ पे गे 7 गुना, कितना 7 गुना, 7 × 63 = 6 छह कैरी आ गया, 7 × 7 = 6 यानी कि 13, तो गे 7 गुना हो गया, तो यहाँ पर भी क्या है गे 7 गुना हो जाएगा। ठीक है, 7 × 7 = कितना आ जाएगा, यहाँ 49 आ जाएगा। ठीक है, 7 × 7 = 49 का यानी कि 9 आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 4 कैरी ले लेंगे, 7 × 7 = 49 4 कैरी, 7 × 7 = 4 = 11, तो हमारा गया आ गया 119। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम परसेंट लगाएंगे ना प्यारे बच्चे, तो 1% यहाँ पे बच जाएगी, जैसे यहाँ पे परसेंट लगाते हैं यहाँ पे परसेंट, तो 1% हमारी बच जाती, तो यहाँ पे देखेंगे जो 100 से जितना भी यहाँ पे ज्यादा हो रहा, यानी कि 100% से जितना, तो यहाँ पर आपका 19 आ गया, तो 100 से कितना ज्यादा 19, तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कितने का होगा यहाँ पर 19, और यहाँ पर आप परसेंट लगा लेंगे और यही प्यारे बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि सी आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन लेते, सबसे शॉर्ट और बेहतर कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, इसको सबसे शॉर्ट मानते आगे चलते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 13 में दिया है, एक विक्रेता 10% छूट देकर 20% का लाभ कमाता है, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक है, प्राप्त करने के लिए दी जाने वाली छूट ज्ञात करें, तो प्यारे बच्चों की छूट पूछ रहा है,
तो यहाँ पर छूट पूछ रहा है तो छूट को बाद में लेंगे, तो पहले प्रॉफिट और लॉस लेंगे यानी कि कितने का लाभ हो रहा, तो यहाँ पर पहले वही करेंगे सेलिंग प्राइस ही लेंगे, ठीक है SP1 और यहाँ पर SP2। और यहाँ पर देखेंगे पहला जब हमारा लाभ यहाँ पर दिया है और यहाँ पर भी लाभ दिया है, तो पहले यहाँ पर दो बार लाभ और हानि कुछ भी दिया हो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर चेंज करता है तो कोई फर्क नहीं है, कंसेप्ट आना चाहिए। तो 20% का लाभ हो रहा है, तो प्यारे बच्चों को बेच कितने में, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना 100 है, ठीक है 100% मानेंगे, ठीक है 100%, तो यानी कि 20% का तो सीधा आप लिख लेंगे 120 हो गया, और 120 है ठीक है यहाँ पर, ठीक है 120 का लाभ हो रहा है, 10% की छूट दे रहा है, ठीक है तो बेच कितने में रहा है यानी कि 90 में, कितना 90, तो यानी कि 120 90 ये हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों 10% का वो लाभ प्राप्त, तो SP2 तो यानी कि 130 हो जाएगा, और 130 बराबर ये कितने होगा वह इतना आपको करना, यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों के दो जीरो से जीरो कट जाएगी, यहाँ पर आपका के 90 आ जाएगा, 90 बटे प्यारे बच्चों यहाँ पर के 12 आ जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 13 की, कितना 13 की मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आपका कैलकुलेट करना। अब यहाँ पर करते हैं प्यारे बच्चों 12 से इसको डिवाइड कर दें, ठीक है 12 7 84 के 7 बार चला जाएगा, फिर 6 बचेगा, ठीक है फिर 0 बढ़ा लेंगे, और यहाँ पर 12 5 कितना 60 हो जाएगा, ठीक है ये कैंसिल हो जाएगा। अब 7.5 में 13 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 5 कितना प्यारे बच्चों 65 आ जाएगा, और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 13 7 91 और 6 यानी कि कितना 97 हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था प्यारे बच्चों 100% था यानी कि 100। अब यहाँ पे देखिए जो 100 से जितना भी कम होगा, ठीक है 100 से जितना भी कम होगा यानी कि वो क्या होगा हमारा लॉस होगा, क्या होगा लॉस परसेंट, तो यहाँ पर लॉस कितने का हुआ प्यारे बच्चों 2.5% का, 2.5% का लॉस होगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, दैट इज ये आंसर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको भाई इतना लिखना है और फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक विक्रेता जब 40% की छूट देता है तो 10% की हानि होती है, ठीक है 5% का लाभ, ठीक है प्राप्त करने के लिए दी जाने वाली छूट ज्ञात करना है यानी कि डिस्काउंट ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए जब आपकी ये लाभ हानि दे रखी है और यहाँ पर लाभ दिया, तो पहला लाभ हानि को यानी कि सेलिंग प्राइस को लेके चलेंगे, तो यहाँ पर आप करते हैं प्यारे SP1 और दूसरा भी करते हैं SP2। यहाँ पर एक ही कंसेप्ट पे आपको समझा रहे हैं, देखिए 10% की हानि हो रही है, तो प्यारे बच्चों वो यानी कि जब एक विक्रेता 40% की छूट देता है तो उसको 10% की हानि होती है, तो प्यारे बच्चों 10% की हानि है तो प्यारे बच्चों ठीक है वो मार्क प्राइस पे, तो मार्क प्राइस कितना हमारा ये बार बार बता रहे हैं यानी कि 100%, ठीक है 10 की हानि हो रही है तो वो 90 में बेच रहा है 90, और यहाँ पर कितना ठीक है डिस्काउंट दे रहा है यानी कि 40%, तो यानी 90 बराबर कितने के होगा 60 के होगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आ गया 5% का लाभ प्राप्त करना था, तो वो बेचेगा कितने में 105 में, तो यहाँ पर कितना आएगा इतना करना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप कर लेंगे इसका, या तो हम ऐसा कर लेंगे कितने गुना, तो यहाँ पर देखिए इसको रेशियो में ले लें यहाँ पर, या हम यहाँ पर भी कर सकते हैं 15 6 90 15 70, तो यहाँ पर 15 6 कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, ठीक है और यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 7 105, तो हमने 15 से दोनों को काट लिया, तो यहाँ पर देखेंगे कि 6 का कितने गुना है, तो यहाँ पर देखेंगे 10 गुना है, तो यहाँ पर भी प्यारे बच्चों इसका कितना हो जाएगा कि 7 है, तो 7 का कितना यानी कि 10 गुना हो जाए, ठीक है तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा यानी कि 70 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 70 आ जाएगा, 70% आएगा, और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था प्यारे बच्चों यानी कि 100% था, 100 में से कितना के परसेंट में आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर परसेंट लगाते यहाँ पर परसेंट, तो 1% यहाँ पर बच जाती, ठीक है यहाँ पर 100 में से इसको घटा देंगे, ठीक है तो हमारा यानी कि क्या हुआ लॉस होगा, ठीक है लॉस आएगा, तो लॉस कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों यानी कि 100 से जितना कम है वो लॉस होगा, तो 100 से कितना कम है 30%, ठीक है 30 ज्यादा, तो 30% का हमारा लॉस होगा, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा, कौन सा सी आंसर, दैट इज आंसर। तो प्यारे बच्चों आप समझ रहे हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट,
पंद्रहवां क्वेश्चन दिया प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक विक्रेता किसी वस्तु को 20% छूट देकर 40% का लाभ प्राप्त करता है, ठीक है। यदि अंकित मूल्य पर बेची जाए तो वस्तु का लाभ बताना, ठीक है, लाभ प्रतिशत बताना। तो प्यारे बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पर पहले इसी को लिख लीजिए। अब देखिए, एक विक्रेता किसी वस्तु को 20% छूट देता है और 40% का लाभ कमा रहा है, तो यहाँ पर देखिए वो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो यहाँ पर एसपी लिखेंगे, ठीक है। एसपी वन, एसपी कितना में बेच रहा है, ठीक है, 40%, यहाँ पर 20% की छूट दे रहा, तो यहाँ पर 40%, तो यहाँ पर 140%, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर हमें लाभ निकालना, तो यहाँ पर एसपी लिखेंगे, पहले लाभ लिखेंगे और फिर क्या आ जाएगा हमारा, 20% की छूट दे रहा, तो यानी कि 80 में बेच रहा है, 100 पे 80 में बेच रहा, तो यानी मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस को 100% मान के चलेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं दूसरा, यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, तो यहाँ पर वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना हमारा मार्क प्राइस, ठीक है, तो वो मार्क प्राइस पे पूछ रहा, तो मार्क प्राइस कितना हमारे प्यारे बच्चों 100% होगा, कितना 100%, तो 100% पे कितना ये आपको निकालना। अब देखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर, ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर करते हैं इसको, इतना निकालना है बस, ठीक है। या तो हम यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल कर दें यहाँ पर ऐसा, ठीक है, और यहाँ पर ठीक है दो से डिवाइड कर देंगे, हमारा 7 यूनिट आ गया, ठीक है, और यहाँ पर कि हमारा यानी कि 5 यूनिट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप करते हैं तो 7 यूनिट बराबर गया, 5 यूनिट बराबर कितना होगा, तो प्यारे बच्चों 80 बटे क्या हो जाएगा हमारा, ये नीचे आ जाएगा 7, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 की, ठीक है, ये हमारा निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर दिया है 20% छूट, तो 80 में 40% का लाभ यानी 140, और यानी कि अंकित मूल्य कितने पर बेचा जाए कि लाभ बताना, ठीक है। तो इसको ही करना प्यारे बच्चों, इसको कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर 5 के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो सीधा, ठीक है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 8×5=40 हो जाएगा, यानी कि 400 हो गया, और 400 में यानी कि 7 का क्या है डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो प्यारे बच्चों 7×4 कितना आ जाएगा हमारा, 7×35, ठीक है, 5 बार जाएगा, 7×35 हो जाएगा, 7×35, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है, 5 बचेगा, फिर हमारा 0 हो जाएगा, फिर 77×49 आ जाएगा, यानी कि 57% ये हमारा आ जाएगा। आगे प्यारे बच्चों इसको करते हैं, तो ये लाभ पूछ रहा है, तो लाभ कितना होगा, तो यहाँ पर 140 पर यानी कि 80 आ रहा है, तो ये हमें ठीक है बेच कितने में, लाभ इतना और छूट कितने में दे रहा है हमारा 20% की पूछ रहा, ठीक है, तो 80 में बेच रहा, ठीक है। अंकित मूल्य हमारा 100 रुपये है, तो कितना होगा ये हमें निकालना है, चलिए तो यहाँ पर ये 7 यानी कि 2×7=14 और 2×5=10 ये आ गया, यहाँ पर 7 गया आ गया, 5 हो गया, 8×5=40/7 इतना आना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको ध्यान देंगे, इस तरह से कर लेंगे, यहाँ पर देखेंगे एक विक्रेता किसी वस्तु को 20% की छूट दे रहा है, तो वो 80 में बेच रहा है, यानी कि पहले डिस्काउंट लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लाभ पूछ रहा है, क्या है लाभ, तो यहाँ पर ये 80 बनाना पड़ेगा, यहाँ पर बस ये कर लेना, ठीक है, ये 80 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा, हाँ ठीक है, 80 यानी कि छूट दे रहा है, तो 80 में बेच रहा है सेलिंग प्राइस, और लाभ यहाँ पर क्योंकि वो लाभ पूछ रहा है, तो हमें पहले लाभ को बाद में लेना पड़ेगा। तो देखिए जब ये यहाँ पर छूट दे रहा है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये लाभ पूछ रहा है, तो हमें ये लाभ को यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर ये लाभ है, तो यहाँ पर 140 के लाभ आएगा, ठीक है, ये होगा। आगे प्यारे बच्चों इसको करते हैं सीधा, या तो हम इसको ठीक है शॉर्ट में, ये हमारा अब हो जाएगा फटाक से। तो प्यारे बच्चों इसको ठीक है 5 से काट देते हैं, तो ठीक है 5×5 हो जाएगा ये हमारा, और भी हम काट सकते हैं, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, और यानी कि 8/10 आ गया, कितना आ गया ऐसा कर लें, 8/10 आ गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कर लेंगे इसको करेक्ट, ठीक है,
तो कि हमारा 140 तो गया आ गया और बताए क्या आ जाएगा, हमारा नीचे 8 आ जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने की कर देंगे, 10 की कर देंगे, कितने की 10 की कर देंगे। अब यहाँ पर करते हैं तो प्यारे बच्चों 8 × 1 = 8 बार चला गया, ठीक है, 8 × 1 = 8 और प्यारे बच्चों हमारा 6 बचेगा, कितना 6 बचेगा और यहाँ पर 0 उतार लेंगे तो 8 × 7 = 56 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 1 0 आ जाएगी, 56 का मतलब है फिर 4 बचेगा, फिर 1 0 लग जाएगी, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, ठीक है, 8 × 5 कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों के हमारा 175 ये कटप्रतीक है आ जाएगा, तो इसका कितना आया 175 आ गया, क्या आ गया 1। तो इसमें बस प्यारे बच्चों एक चीज का ध्यान रखना है बस, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि लाभ आ रहा है तो हमें पहले लाभ को यहाँ पर लिखना है, क्योंकि बाद में लाभ लिखना है अगर वो लाभ पूछ रहा तो, ठीक है, हमें लाभ निकालना। तो देखिए यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था प्यारे बच्चों, यानी कि 100 रुपये था, और 100 रुपये से जितना भी ये ज्यादा होगा वो लाभ होगा, ठीक है, तो 100 पे यानी कि प्रॉफिट कितने का हुआ, यानी कि 75 का। तो यहाँ पर ये परसेंटेज ही आएगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ परसेंटेज, यहाँ भी परसेंटेज, यहाँ पे तो 2% तो ये तो कर जाते हैं, 1% यहाँ पे बचती है, तो 100 में से इसको घटाते हैं 100% में से, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा, ठीक है, ठीक है, यानी 175 यानी जितना ज्यादा वो लाभ होगा तो इसका मतलब है 75% का क्या है प्रॉफिट होगा, 100 से जितना भी ज्यादा होगा वो प्रॉफिट होगा। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या है, यानी कि 75% दैट इज आंसर। तो बस इसमें ये चीज ध्यान रखने की है कि यहाँ पे लाभ पूछ रहा है तो हमें लाभ को यानी कि यहाँ पे लेना, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो प्यारे बच्चों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा हो, कंसेप्ट प्यारा लगा हो, बेहतरीन लगा हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि आपको, ठीक है, कमेंट करके कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, नमस्कार, आगे मिलते हैं, धन्यवाद।